आप सभी के लिए जो है सोशल साइंस का जो है 8 मार्च के लिए जो है स्पेशली जो है डे 2 यानी आपका सेकेंड डे इसका चल रहा है। डे प्रथम हो चुका है जिसमें आपको जो है 25 ऑब्जेक्टिव करा चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इसके बाद जरूर देख लेना। तो सबसे पहले अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए पहले क्या क्या आपको बताने वाले हैं। देखो सबसे पहले मोटिवेट कर देता हूं आप सभी को, विकल्प जो है आपको बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। यानी जब आप लोग रास्ता में चलोगे तो आपको जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए। कभी आपको जैसे पढ़ाई शुरू की, मान लीजिए ये वीडियो आपने ओपन किया देखना शुरू किया, 5 क्वेश्चन करो, किसी का फोन आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका भटकाने के लिए आया है। तो आपको वो सभी कॉल, जब भी पढ़ाई करो सभी को इग्नोर करो, जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है आप लोग कुछ नहीं करो, कह दो सबको कि हाँ कंप्लीट करने के बाद ही जो है कुछ भी करेंगे। वही हुआ, आपको जो है विकल्प जो है बहुत मिलेंगे रास्ता जो है भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। यानी अगर आप लोग संकल्प कर लेंगे कि नहीं जब तक ये क्लास कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक जो है इधर से उधर हम भटकेंगे नहीं, तभी जो है आप लोग 8 मार्च के इस दिन में एग्जाम में कमाल कर दोगे, एकदम धमाल कर देंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और एनसीईआरटी खुद से जो खुद बनाए जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और आपने ऑब्जर्व किया हुआ एग्जाम के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में दिया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं, वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछे जाए और एक एक क्वेश्चन को याद करना। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन देखो उसके बाद फिर क्या हो भटक जाओ, रास्ता नहीं भटकना है, रास्ता आपको पकड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया महासागर के जो है तली पर होने वाले कंपन को जो किस नाम से जाना जाता है, तो यह नाम है सुनामी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना महासागर के तली पर होने वाले कंपन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा जो है यह आपका प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, चित्र से याद रखना सूखा जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए पूछा जा रहा है, भूकंप जो है अथवा सुनामी से जो है बचाव का जो है इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका तरीका जो है भगवान जो है भरोसे बैठे रहना, यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भूकंप से जो है पुनर्नुमान को जो है गंभीरता से लेना होना चाहिए, मतलब लेना चाहिए इस बात को, और भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए, और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो है राहत कार्य हेतु तैयार रहना चाहिए। यानी ये आपका सही तरीका और नहीं सही तरीका जो है ये आपका हो गया भगवान भरोसे बैठे रहना, समझ आ गई बात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट और जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, देखो सुनामी किस स्थान पर आता है, अब देखो सुनामी जो है या कौन से स्थान पे आता है, समुद्र के स्थान पे आता है, याद रखना बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, तो समुद्र के स्थान पर आता है, यानी 4 का बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपदा प्रबंधन जो है किया जाता है, तो आपदा प्रबंधन जो है यह किया जाता है किस स्तर पे किया जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है, राज्य स्तर पर भी किया जाता है, और जिला स्तर पे भी किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल सही उत्तर, याद रखना जो आपदा प्रबंधन जो है यह किया जाता है आपके राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला, इन तीनों स्तर पर किया जाता है, डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया, एक एक क्वेश्चन को गौर से याद कीजिए और एग्जाम में कमाल करना है, क्योंकि रास्ता भटकने वाले आपको बहुत मिलेंगे लेकिन आपको रास्ता भटकना नहीं है। जिसको आपने पकड़ लिया, जिस क्वेश्चन को पकड़ लिया, जिस चैनल पर आपको ट्रस्ट हो रहा है हुआ है उसी चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, और एक एक क्वेश्चन है और एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखते चलिए। चलिए एक एक क्वेश्चन को अगर याद करेंगे तो बूंद बूंद से जो है गैला भरता है। याद होगा आपको एग्जाम में अगर जैसे कोई भी वीडियो शुरुआत किए 5 क्वेश्चन देख लिए और बाकी सब नहीं क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम में भी क्या करोगे, शुरू के कुछ क्वेश्चन आएंगे और बाकी सब नहीं आएंगे तो कैसे एग्जाम बढ़िया से आएगा, इसलिए कहते सारे क्वेश्चन याद करो। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में किस वर्ष जो है अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो आया था यह 1934 में आया था, आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना भारत में जो है किस वर्ष जो है अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यह 1934 ईस्वी में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए भारत में किस वर्ष अत्यंत जो है विनाशकारी चक्रवात आया था। तो चक्रवात की बात हो रही है जो है कब आया था, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 18 में पूछा गया, फिर 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा, भारत में किस वर्ष जो है अत्यंत विनाशकारी चक्र आया, यानी अत्यंत विनाशकारी जो चक्र है कौन से ईस्वी में आया था, यह आया था आपका 1999 में। याद रखना 1999 ईस्वी में जो है अत्यंत विनाशकारी चक्र आया था 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है हेल्प लाइन नंबर क्या है, राष्ट्रीय जो है उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर जो हेल्प लाइन नंबर की बात हो रही है, याद रखना 1811-4000 जो है यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए पूछा जा रहा है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीजों से जो है होती है। तो यह जो चीज होती है यह आपका होल मार्क से की जाती है, याद रखना आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी सोने की जो है आभूषण की जो शुद्धता की जो पहचान होती है यह होल मार्क से जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा जा रहा है, उपभोक्ता द्वारा जो है शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है कितना है, मतलब उपभोक्ता द्वारा जो है शिकायत करने के लिए जो है आवेदन शुल्क की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना। तो ये जो आवेदन शुल्क जो होता है इसमें कोई पैसा नहीं लगता इसमें, यानी डी का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए, उपभोक्ता द्वारा जो अगर शिकायत करने के लिए जो है आवेदन शुल्क में क्या लगता है, मतलब कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ जो है किसने किया, मतलब कौन से देश जो है इसका प्रारंभ किए थे, ये जो इंग्लैंड ने किए थे, आपको अच्छी तरह से याद रखना इंग्लैंड में। तो देखो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था आपका इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बारह देखिए पूछा जा रहा है देश की जो है कितनी प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है मूलभूत सुविधाओं से जो है वंचित है, मतलब कितना परसेंट जनसंख्या जो है मूलभूत सुविधा यानी जो सुविधा उनको प्राप्त होना चाहिए उससे वंचित है, वह 85%, याद रखना 85% जो है सुविधा से वंचित है, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तेरह क्या पूछा जा रहा है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है, वैश्वीकरण का उद्देश्य जो है यह आपका होता है क्या उद्देश्य होता है। देखो वस्तुओं का मुक्त प्रभाव यह भी वैश्वीकरण का ही उद्देश्य हुआ, पूंजी का मुक्त प्रभाव यह भी वैश्वीकरण का उद्देश्य हुआ, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव यह भी आपका वैश्वीकरण का उद्देश्य, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा इनमें से सभी, डी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को एकदम मजे से याद करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा जा रहा है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आप देखो आय तथा उपभोग का जो अंतर है यह आपका कहलाएगा बचत कहलाएगा, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आय तथा उपभोग का अंतर आपका बचत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा जा रहा है कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी, आप तो कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है, ये जो सेवा है यह मोल सेवा जो है यह आपका गैर सरकारी सेवा होती है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो आपका मोल सेवा जो है यह आपका गैर सरकारी सेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आप देखो तृतीय क्षेत्र जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा, तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो सेवा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है नई आर्थिक नीति में जो किसे सम्मिलित किया गया, या तो नई आर्थिक जो नीति है इसमें जो है सम्मिलित किया गया आपका उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी जो है सम्मिलित किया गया, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना उपयुक्त सभी को जो है शामिल किया नई आर्थिक नीति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा जा रहा है वाशीकरण के मुख्य अंग कितने, देखो वाशीकरण जो है इसके मुख्य अंग जो होते हैं इसके मुख्य अंग पूछे जा रहा है कितने होते हैं, तो 5 मुख्य अंग होते हैं, याद रखना सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 5 जो है मुख्य अंग होते हैं आपके वाशीकरण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा जा रहा है ग्रामीण रोजगार की जो एक राष्ट्रीय योजना है, यानी ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना पूछा जा रहा है क्या है, इसका राष्ट्रीय योजना है मनरेगा योजना जो है यह ग्रामीण रोजगार योजना है, और इसी को जो है एक राष्ट्रीय योजना भी कहा जाता है, यानी याद रखना यानी ग्रामीण रोजगार की जो एक राष्ट्रीय योजना आपका मनरेगा है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या। ऊर्जा जो है इसका मुख्य स्रोत जो है यह आपका देखो कोयला भी होता है, पेट्रोलियम और विद्युत। देखो कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, पेट्रोलियम भी होता है, विद्युत भी होता है। यानी इसका क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना इनमें से सभी जो है ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में 21 देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को जो है स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक जो है कितने प्रकार की जमा राशि को जो है स्वीकार करते हैं। ये जो है आपके चार प्रकार के जो है व्यावसायिक बैंक जो है चार प्रकार की जो है जमा राशि को स्वीकार करते हैं। याद रखना इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना चार प्रकार के क्या कहते हैं, व्यावसायिक बैंक जो कितने प्रकार जमा राशि को कितने प्रकार के स्वीकार करते हैं, तो चार प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1935 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है भारत की जो है वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यानी भारत की जो है वित्तीय राजधानी की बात हो रही है, किस शहर को कहा जाता है। ये जो आपका मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। याद रखना आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, मुंबई को क्या कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था जो है यह मिश्रित व्यवस्था है। याद रखना सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मिश्रित व्यवस्था जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक जो है यह आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। याद रखना आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है किस क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी कौन जो है क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, यह आपका कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। याद रखना बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कृषि क्षेत्र जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ। यानी 16वीं लोकसभा जो है इसका चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था। इसका चुनाव हुआ था 2014 ईस्वी में। याद रखना 2014 ईस्वी में जो है 16वीं लोकसभा का जो है चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूछा जाए नर्मदा घाटी योजना किस से जो है संबंधित है। यानी किससे संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है, यह जो संबंधित है आपका जल से संबंधित है। याद रखना जल से संबंधित है आपका नर्मदा घाटी परियोजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चुनाव चिन्ह पंजा है। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चिन्ह का जो है चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा। जिसे हाथ आप जो होते हैं वही हुआ, यानी उसका पंजा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यानी जो है 1885 ईस्वी। याद रखना 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, क्या आपका इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी आपका जो पूरा सॉल्यूशन जो है आपका एजुकेशन स्टडी पर मिलेगा। यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में सभी जगह दिया गया है। सब आपको क्या करना, सर्च करके जो इस पर जुड़ जाना। और इसमें 80 ऑब्जेक्टिव का जो है आपका एक सेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे जाकर जुड़ जाना, आपको 80 ऑब्जेक्टिव जो आज और या कल में जो आपको मिल जाएगा। तो सभी बच्चे एजुकेशन स्टडी जो है यूट्यूब पर आप लोग सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 1 नहीं देखे तो स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।